मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। आज हम लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें प्रैक्टिस में कन्वर्जन ऑफ लेंथ मास एंड कैपेसिटी। कन्वर्जन देखेंगे किस चीज़ का, लेंथ का, मास का, कैपेसिटी का। इन अवर डेली लाइफ वी ऑफ्टन मेजर्स लेंथ, मास एंड कैपेसिटी फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए वी यूज मिलीमीटर का यूज़ करते हैं हम, सेंटीमीटर का, मीटर का एंड किलोमीटर का। मिलीमीटर को एमएम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से, मीटर को एम से और किलोमीटर को केएम से। द रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज यूनिट आर एज फॉलो। जो रिलेशनशिप्स है एन यूनिट का वो क्या है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, और 1 मीटर इसी कट को कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 10 ये हो गया 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के। ऐसे ही 1 किलोमीटर, किलोमीटर को पहले 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई और कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 lakh सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के 10 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो ये कितना हो गया 1 lakh 10 lakh, यानी कि 10 lakh मिलीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 10 lakh मिलीमीटर के इक्वल होता है। फॉर मेजरिंग मास वी जनरली यूज मिलीग्राम। मास को जनरली हम किसे मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिलीग्राम का, ग्राम का एंड किलोग्राम का। द रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज यूनिट, इनके जो भी इन यूनिट्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है, और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, और ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ये हो गया 1 lakh 10 lakh मिलीग्राम के, ठीक है। सिमिलरली फॉर मेजरिंग कैपेसिटी वी जनरली, इसी तरीके से कैपेसिटी का मेजर करने के लिए हम किन यूनिट का यूज़ करते हैं, मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर के लिए। इन यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, और लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये हो गया 10 lakh मिलीलीटर के ऊपर। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल लिया है हमने, लेट अस कन्वर्ट 12 किलोग्राम इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। 12 किलोग्राम को ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 12 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम और मिलीग्राम में। तो सबसे पहले किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 12 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12000 ग्राम। अब ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिंस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये आ गया आपका आंसर, ये कन्वर्ट हो गया आपका आंसर मिलीग्राम में। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट अस कन्वर्ट 2 किलोलीटर 50 लीटर इनटू मिलीलीटर। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव 2 किलोलीटर 50 लीटर, तो 2 किलोलीटर को लीटर में बदलेंगे, 2 × 1000 लीटर प्लस 50 लीटर ऐड कर देंगे, सिंस 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो ये हो गया 2000 प्लस 50 लीटर, ये हो गया 2050 लीटर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर कंपेयर करना हो, एक और एग्जांपल लिया हमने, लेट अस कंपेयर 45 मिलीलीटर 6 किलोमीटर एंड 50 मीटर। वी हैव 45 मिलीलीटर। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सब यूनिट सेम होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए, मिलीलीटर, किलोमीटर, मीटर, सबसे छोटी यूनिट मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को तो ऐसे ही रहने देंगे। 6 किलोमीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 10 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 लाख मिलीलीटर। ऐसे ही 15 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15000 मिलीमीटर हो जाएगा। और 45, आप देखिए क्लियर हो गया, 45 मिलीमीटर इज लेस देन 15000 मिलीलीटर इज लेस देन 60 लाख मिलीमीटर। देयरफॉर 45 मिलीलीटर इज लेस देन 15 मीटर इज लेस देन 6 किलोमीटर। उसके बाद में एप्लीकेशंस होती है इन अवर डेली, इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल सिचुएशन से गुजरते हैं हम, वेयर वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत होती है, जो कि हम किससे सॉल्व करते हैं, एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एंड डिवीजन के थ्रू, डीलिंग विद लार्ज नंबर्स। किसका डील करने के लिए, लार्ज नंबर्स को डील करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट अस स्टडी सम मोर एग्जांपल। एग्जांपल 8 है, इन 2011 देयर आर 15,801 मेल्स एंड 45,115 फीमेल्स इन अ सिटी, ठीक है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2011, तो यानी कि इसमें प्लस होगा कितनी मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, टोटल पॉपुलेशन तो उतनी होगी, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू दिस, तो थस द पॉपुलेशन इन द ईयर 2011 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गया 98,916, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद में एक और एग्जांपल लिया, द सम ऑफ टू नंबर्स इतना, वन नंबर इतना,
वन ऑफ द नंबर इज फॉर ये है, फाइंड द अदर नंबर, अदर नंबर निकालना है, यानी कि टोटल दे रखा है टू नंबर्स का और एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है। तो सम ऑफ टू नंबर्स 79,615, वन ऑफ द होल नंबर, वन ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर्स में वन नंबर है 48,530, अदर नंबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 79,615 माइनस 48,530 इजिकल टू आंसर आ गया 31,085, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम और बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन के द्वारा, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा और डिवीजन के द्वारा। ओके, थैंक यू।